इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक है, जिसे हर एक छोटी चीज से डर लगता है। जैक के स्कूल में जैक का एक दोस्त भी है जिसका नाम मेलिना है। हालांकि मेलिना के डैड जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब जैक स्कूल से जा ही रहा था तभी कुछ बच्चे जैक को परेशान करने लगते हैं। तभी वहां पर जैक की बेबी सीटर आ जाती है और यह इन सभी बच्चों को डरा धमका कर भगा देती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक अपने दोस्त मिलेनी के साथ स्कूल जा रहा था। तभी उसकी दोस्त मिलेनी उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारी बेबी सीटर तुम्हारे घर पर अपने दोस्तों को बुलाती होगी। जिसके बाद जैक अपने दोस्त से कहता है कि आज रात को मैं जरूर देखूंगा। जब जैक घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता आज कहीं जाने वाले हैं और जैक के साथ उसकी बेबी सीटर सैली इस घर में रुकेगी। इसके बाद जैक के माता पिता यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद बेबी सीटर सैली और जैक दोनों ही बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। सैली जैक को नींद से सुलाने के लिए उसे ड्रिंक देती है, लेकिन जैक बड़ी चलाकी से इस ड्रिंक को फेंक देता है ताकि वह रात को देख सके कि उसकी बेबी सीटर सैली उसके सो जाने के बाद क्या क्या करती है। और इसके बाद जैक सोने के लिए चला जाता है और जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं तभी जैक को अपने घर में किसी अनजान आदमी की आवाज़ सुनाई देती है और यह आवाज़ सुनकर जैक अपने रूम से बाहर निकल कर उन्हें देखने के लिए जाता है। जैक देखता है कि सैली अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रही है। सैली के बाकी के सभी दोस्त उसे एक डेयर देते हैं कि तुम सभी को एक एक करके किस करोगी। और जब सैली सैमुअल को किस करने वाली होती है तभी अचानक से सैली दो चाकू को सैमुअल के सिर में घुसा देती है जिसके वजह से सैमुअल यहीं पे मारा जाता है। सैली के बाकी के सभी दोस्त उसके सर से निकलने वाले ब्लड को एक कप में जमा करने लगते हैं और यह सब देखकर जैक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और इनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि यह सब एक रिचुअल करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद सैली की एक दोस्त वहाँ पर एक सूटकेस लाती है जिसके अंदर एक काफी पुरानी बुक थी और यह बताती है कि यह एक शैतानी किताब है और यह सब कुछ जैक छिप कर देख रहा था। और जब जैक को यह पता चलता है कि यह लोग अब उसके शरीर से खून निकालने वाले हैं तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने रूम में जाकर पुलिस को फोन कर देता है। इसी बीच जैक को उन सभी की इस रूम में आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए जैक जल्दी से अपने बेड पर सोने का नाटक करता है। तभी वहाँ पर सैली अपने सभी दोस्तों के साथ में आ जाती है और एक इंजेक्शन से जैक का ब्लड निकाल लेती है। हालांकि जैक इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डरता है लेकिन वह अभी बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालता क्योंकि वह जानता है कि अगर वह अभी आवाज निकालेगा तो उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो सकती है। और जब ये लोग इस रूम से निकल जाते हैं तभी जैक वापिस से खड़ा होकर बेड से एक रस्सी बांध कर खिड़की से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम जैक के पीछे सैली को देखते है जो अभी भी इसी रूम में थी। और तभी जैक अचानक से बेहोश हो जाता है और जब जैक की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वह एक कुर्सी में बंधा है और उसके आसपास सैली के सभी दोस्त खड़े हैं। यहाँ पर जैक अपने बेबी सीटर सैली से इन सभी के बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन सैली कुछ भी नहीं बताती। तभी जैक बड़ी चलाकी से अपने हाथ को खोलने की कोशिश करता है लेकिन जैक के पीछे जो आईना है उसमें यह सब कुछ दिखाई दे रहा था। तभी सैली उससे कहती है कि हमने तुम्हारा ब्लड बस साइंस प्रोजेक्ट के लिए लिया है। और इसके बाद जैक अपनी बातों से बेबी सीटर सैली को यकीन दिला देता है कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। और जब सैली जैक के रस्सियों को खोलने वाली थी तभी इसके घर के आसपास पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और अब सैली जैक से कहती है कि जरूर तुमने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से तुमने पुलिस बुलाया। और यह सब सुनकर जैक जोरों से हेल्प के लिए चिल्लाता है और इसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। जिसके बाद सैली का दोस्त मैक्स एक लोहे के रॉड को पुलिस ऑफिसर के ऊपर फेंक देता है जिसके वजह से पुलिस ऑफिसर तो मर जाता है लेकिन उसके हाथ में था गन और यह गन चल जाती है और इसकी गोली लगती है सीधे एलिसन को। वहीं पर दूसरा पुलिस ऑफिसर इन्हें डराने की कोशिश करता है लेकिन तभी पीछे से सैली आकर इस पुलिस ऑफिसर को जान से मार देती है। और आप सभी लोग एलिसन के पास में जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक यहाँ से भाग जाता है और इसका पीछा करने के लिए सैली का एक दोस्त इसके पीछे जाता है लेकिन इसका पैर वहाँ पर रखे हुए एक टॉय
पड़ जाता है जिसकी वजह से यह नीचे गिर जाता है और इसके गर्दन में एक नुकीला कांच घुसने की वजह से यह यहीं पे मारा जाता है। यह सब देखकर मैक्स जैक को पकड़ने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन जैक अपने रूम के दरवाजे को बंद कर खिड़की से उतरने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक आकर इसकी रस्सियों को ऊपर खींचने लगता है जिसकी वजह से जैक सीधे जमीन पर गिरता है। और अब जैक यहाँ से भागकर अपने गैरेज में जाता है और यहाँ पर जैक को कुछ फटाके नजर आते हैं जिसे लेकर वह बेसमेंट में चला जाता है। और इसे खोजते हुए सैली की एक दोस्त सोनिया बेसमेंट में आ जाती है और जब सोनिया को यहाँ पर जैक दिखाई नहीं देता तो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सोनिया को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है जिसकी वजह से वह समझ जाती है कि जैक यहीं पर है। जब सोनिया जैक की ओर जा ही रही थी तभी जैक अपने रॉकेट से सोनिया पर हमला करता है और तभी सोनिया वहां पर बिछाए हुए चूहे के ट्रैप में फंस जाती है और मौका पाकर जैक बेसमेंट से बाहर आ जाता है और बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है जिसकी वजह से सोनिया बाहर नहीं आ पाती और बेसमेंट में धमाका होने की वजह से सोनिया यहीं पे मारी जाती है। इसके बाद जैक यहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी इसके सामने आ जाता है मैक्स। इसके बाद मैक्स जैक को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जैक इससे बच कर एक ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाता है और साथ ही के ट्री हाउस के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी को तोड़ भी देता है। लेकिन मैक्स रस्सियों के सहारे ट्री हाउस के ऊपर आ जाता है जिसके बाद वहां अचानक से ट्री हाउस का निचला वाला हिस्सा टूट जाता है। हालांकि मैक्स खुद को बचाने का बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में एक वाइट लगे होने की वजह से उसका हाथ फिसल जाता है और रस्सी में फंस कर इसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। तभी सैली एक गन को लेकर वहाँ पर आ जाती है जिसे देख कर जैक अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त मेलिनी के घर पे चला जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। यह सब सुनने के बाद मेलिनी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी बीच जैक अपने दोस्त मेलिनी को इस रूम में बंद करके वह खुद ही सैली का सामना करने के लिए चला जाता है और बाहर निकलकर सैली को पुकारते हुए वापिस से अपने घर के अंदर में चला जाता है। तभी वहाँ पर जैक को एलिसन दिखाई देती है जो की बेहोश थी। जब जैक किचन में जाता है तो उसे वहाँ पर वही शैतानी बुक मिल जाती है। तभी वहाँ पर एलिसन आकर इस पर हमला कर देती है लेकिन जैक किसी तरह से एलिसन को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करता है लेकिन एलिसन इसकी चलाकी को समझ जाती है और एक चाकू लेकर अब जैक को जान से मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर सैली आकर अपने दोस्त एलिसन का सर उड़ा देती है और अब सैली कहती है कि मुझे अब यह शहर छोड़कर जाना होगा। तभी जैक शैतानी बुक को उठाकर उसे जलाने की धमकी देता है और तभी जैक सैली से पूछता है कि यह सब तुमने क्यों किया। और हमें सैली के बातों से पता चलता है कि सैली जैक की तरह ही इनोसेंट बच्चे को पकड़कर उसे मारकर अपना रिचुअल करती है ताकि यह अपनी इच्छा को पूरा कर सके। और यह सब सुनकर जैक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। सैली जैक को समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें जान से मार सकती थी लेकिन मैंने तुम्हें ना मार कर मैं अपने दोस्त एलिसन को जान से मार दिया, इसलिए यह बुक मुझे दे दो। यहाँ पर हमें ऐसा लगने लगता है कि जैक सैली की बातों में आ चुका है लेकिन तभी जैक बातें करते करते इस बुक को जला देता है। जैक इस बुक को यहीं पर फेंक कर जल्दी से बाहर जाता है। यहाँ पर सैली बुक में लगे आग को बुझाने की कोशिश करती है। तभी हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्त मेलिना के फादर की गाड़ी को लेकर अपने घर में घुसा देता है जिसकी वजह से सैली इस गाड़ी के नीचे आ जाती है। जैक सैली के पास में जाकर उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद वहाँ पर जैक के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। इस कहानी के लास्ट में हम देखते हैं कि जब रेस्क्यू टीम जैक के घर पे गए थे तभी वहाँ पर सैली एक रेस्क्यू टीम के मेंबर पर हमला कर देती है, यानी कि सैली अभी तक मरी नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।